भी हमें अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि काफी लविंग था फादर इन लॉ गुड फाइटिंग वाली तगड़ी मशीन गन मतलब कल कररा सीन था अलग ही मतलब सीन था तगड़ा। अब हम ये चाहते हैं हमारा दूसरा पार्ट भी आए इस मूवी का भी आए हम दूसरा पार्ट कबीर सिंह से कितनी अलग है ये कबीर सिंह से बहुत ज्यादा मतलब बॉडी सोच के आए थे वो मिला नहीं मिला मूवी में उससे दुगना मिला हमें दुगना बोलते नहीं एक एंटरटेनमेंट चाहिए था हमें के ये चीज करनी थी वो चीज करनी थी इस पे सीटी मारनी थी उधर करना था आउटस्टैंडिंग सर रियली आउटस्टैंडिंग पूरा बहुत सिंपल थी अच्छा था उसका रोल बहुत मस्त रणवीर कपूर की एक्टिंग जैसी फेबुलस था देख के ऑडियंस को काफी मजा आने वाला है और मेरी तरफ से तो मैं 5 स्टार दूंगा पूरी मूवी को और लोग जल्दी जल्दी आके इस मूवी को देखें और मैं फुली रिकमेंड करता हूं और जो रणवीर का एक हां भाई कैसी लगी फिल्म ये बहुत अच्छी थी भाई कैसी लगी बहुत अच्छी मूवी थी बहुत अच्छी मूवी है बहुत ब्यूटीफुल जबरदस्त है भाई एंटरटेनमेंट है हां पूरा एंटरटेनमेंट है भाई पैसे वसूल है भाई हां भाई मतलब क्या स्टोरी वगैरह क्या है वैसे वायलेंस वगैरह थोड़ा बहुत हां बहुत वायलेंस है मजा आ गया देख के मजा आ गया रणवीर कपूर का काफी अच्छा रहा कबीर सिंह कितनी अलग है कबीर सिंह से कितनी अलग है कबीर सिंह से तो अच्छी है धन्यवाद जी भाई कैसी लगी कैसी लगी फिल्म तेरी हां जबरदस्त पिक्चर थी भाई साहब मजा आ गया जी भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया टाइम होना चाहिए 4-4 घंटा हो जाए देखो एक आ जाए अच्छा लंबी पिक्चर होगी बहुत लंबी है ये बढ़िया बढ़िया फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया जबरदस्त स्टोरी बहुत अच्छी है अच्छी स्टोरी थोड़ा सा इंटरवल के बाद में हल्का सा है लेकिन जबरदस्त है इंटरवल से पहले अच्छी है बहुत सुपर जी भाई कैसी लगी फिल्म ये बहुत अच्छी मूवी था सर अच्छी मूवी था हां जी सर जी भाई हाँ भाई कैसी लगी फिल्म ये अच्छी मूवी थी कॉन्सेप्ट अच्छा था एक्टिंग सबने बहुत अच्छी करी है और ओवरऑल जो मूवी का थीम था वो एक्शन नहीं था जो हम लोग सोच के गए थे थीम बॉन्ड दिखाया है फादर और बेटे का लेकिन उसमें एक्शन डाला गया है ताकि मूवी और इंटरेस्टिंग बने ओवरऑल अच्छी मूवी है नहीं वायलेंस पूरा मिला वायलेंस में कोई कमी नहीं थी लेकिन जो वायलेंस हम सोच रहे थे सिर्फ वायलेंस होगा लेकिन सिर्फ वायलेंस नहीं था वो बहुत उसमें अच्छा इमोशनल टच भी था और एक फादर सन का जो बॉन्ड होता है वो दिखाया गया क्या कमियां रह गई एक पैसा कमाने वाले बाप और बेटे के रिलेशन में वो चीज़ दिखाई गई कि समय नहीं दी मिला और बच्चा कैसे साइकोलॉजिकली परेशान होता है जब उसे अपने बाप का प्यार नहीं मिलता तो वो चीज़ दिखाई गई उसमें जी सर क्या बोला बहुत अच्छी मूवी है टाइगर को पठान को पीछे छोड़िए इस बार बहुत फैंटास्टिक मूवी है थैंक यू बिल्कुल बिल्कुल फैंटास्टिक बहुत अच्छी जिस मूवी के अंदर पापा का नाम हो तो वो मूवी तो और आप बाप के आ गए तो सब कुछ फेल है आपको पता बाप के लिए जो भी बात आती है तो बच्चा पहले खड़ा होता है और हम तो वही बेटे हैं बाप से पहले खड़ा मूवी हम लोग चाहे तो जितनी बार देखे उतनी बार कम है रियली पठान टाइगर 3 बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन थे मतलब हम लोग 5 मिनट के लिए पलक नहीं झपका सकते थे आई लव दिस मूवी रियली अनिल कपूर सर बॉबी सर अर्जुन सर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रियली बॉडी सोच के आए थे वो मिला नहीं मिला मूवी में उससे दुगना मिला हमें दुगना बोलते नहीं एक एंटरटेनमेंट चाहिए था हमें कि ये चीज़ करनी थी वो चीज़ करनी थी इस पे सीटी मारनी थी उधर करना था आउटस्टैंडिंग सर रियली आउटस्टैंडिंग पूरा मतलब मैं रियली बोला अभी फैमिली के साथ आऊँगा मैं अब फैमिली के साथ आऊँगा फैमिली के साथ देखूँगा मूवी ये मेरे फ्रेंड सर्कल थे मेरे ऑलवेज तो उन्होंने प्लान बनाया था मॉर्निंग में जाने का अब फैमिली के साथ आऊँगा फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जी कैसी लगी फिल्म ये मुझे बहुत अच्छी लगी रणवीर कपूर कैसे लगे इस बार बहुत अच्छा लगा अभी अच्छा लगा स्टोरी वगैरह कैसी है काफी माइंड ब्लोइंग सो ऑसम यस अब दिस इज रिलेटिव द फादर एंड सन लव वेरी इंपॉर्टेंट गुड इज फॉर जो आप एक्सपेक्ट करके आए थे मूवी मिला नहीं मिला यस डेफिनेटली यस उससे भी बेटर यस नाइस इज अ डिपेंड ऑन फादर एंड सन लव हाउ टू लव कन्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि काफ़ी लविंग था फादर एंड गुड इसमें का मतदान कैसे लगे आप नाइस वेरी नाइस कांड बहुत सिंपल थी अच्छा था उसका रोल बहुत मस्त डोंट डिस्टर्ब रणवीर कपूर की एक्टिंग कैसी फेबुलस
ओवरऑल 10। जी देखा है मूवी, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी थी, पूरा पैसा वसूल हुआ मेरा। स्टोरी वगैरह कैसी? स्टोरी इंटरवल तक तो बहुत सही थी, लेकिन जब इंटरवल के बाद हाँ सेकंड हाफ थोड़ा बहुत कमजोर पड़ी। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, बस ये जो सोचा था मूवी में उसे मिला नहीं मिला? हाँ, पूरा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मिला है मुझे तो। एक्सपेक्टेशन जो थी मेरी पूरी फुलफिल हुई है। ये जी आप मूवी देख के आ रहे हैं, बताएं मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत अच्छी, मस्त मूवी। कैसी स्टोरी वगैरह? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। हाँ अच्छा था, फर्स्ट बार देखी थी लाइफ में। अच्छा था। अच्छा, रणवीर कपूर कैसे लगे इस बार? बढ़िया। बताओ कैसी लगी मूवी? मूवी एकदम नंबर वन थी। हाँ। एकदम क्या रिव्यू, बहुत तगड़ा रोल, एकदम मजा आ गया भाई, एकदम मजा आ गया भाई, एकदम सोच के तो मिल गया है मूवी। बहुत खुश हुए हम, बहुत सेटिस्फेक्शन मिला हमें, बहुत ज्यादा ही, बहुत मजा आया। क्लाइमेक्स वगैरह सब है पिक्चर के अंदर। क्लाइमेक्स मतलब कैसा लगा? क्लाइमेक्स एकदम फाइटिंग वाली, तगड़ी मशीन गन कर सीन था, अलग ही मतलब सीन था तगड़ा। अब हम ये चाहते हैं हमारा दूसरा पार्ट भी आए इस मूवी का। कबीर सिंह से कितनी अलग है? कबीर सिंह से बहुत ज्यादा, मतलब अलग ही, अलग ही, अलग ही लेवल की, मतलब फिल्म थी अलग ही, मतलब बहुत दिल खुश हो गया, सेटिस्फेक्शन मिला हमें, बिल्कुल पूरा हो गया, पूरा मतलब बहुत ज्यादा। रश्मिका मंदान के बारे में बताओ। अरे वो तो अलग ही थे, वो तो अलग ही है, चुम्मा लाड़ी सब थी, मतलब अलग ही, मतलब रोमांटिक वोमांटिक सब बढ़िया एकदम, मतलब एकदम अच्छा। रेटिंग पूरी 10 out of 10। कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी, बहुत अच्छा। कैसी सही में स्टोरी अच्छी है? अच्छा स्टोरी अच्छी, सब कुछ अच्छा, बाड़ू है, बाड़ू बढ़िया। कैसी मूवी है सर? एकदम गजब, पूरे संजू मूवी ऐसा फील आने लगा, ये संजू बिल्कुल। कबीर सिंह जैसा कुछ ऐसा रिलेट नहीं था, लेकिन हाँ लोग अच्छे थे, लोग अच्छे थे। जी भाई क्या कहेंगे मूवी के बारे में? आपके बाद बहुत बेकार है भाई, आपके बाद बेकार है। क्या लगा? जी भाई कैसी लगी फिल्म? बढ़िया एकदम। कैसी है? बढ़िया एकदम, बढ़िया अच्छी लगी मूवी, शानदार। अच्छा स्टोरी वगैरह कैसी मूवी थी? बढ़िया अल्टीमेट। हाँ भाई बताओ कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। जी भाई कैसी लगी फिल्म? कैसी लगी मूवी? अच्छी है, अच्छी है, बढ़िया अच्छी, बहुत अच्छा है। जो भी एक्शन किया है बहुत तगड़ा एक्शन है पूरी मूवी में। वॉयलेंस वगैरह था, देख के ऑडियंस को काफ़ी मजा आने वाला है, और मेरी तरफ से तो मैं 5 स्टार दूंगा पूरी मूवी को। और लोग जल्दी से जल्दी आके इस मूवी को देखें, और मैं फुली रिकमेंड करता हूँ। और जो रणवीर का एक्शन है इस मूवी में, फाड़ के रख देगा भाई। जी हम कैसे लगी? कैसे लगी? बढ़िया लगी भाई, बिल्कुल बिल्कुल। कैसी लगी मूवी भाई? ये रिव्यू है, मस्त मूवी एकदम, रणवीर कपूर फाड़ू, बहुत मस्त, बहुत मस्त, बहुत मस्त। जी भाई कैसी लगी? बढ़िया मूवी। जी भाई बहुत अच्छी है, ज्यादा अच्छी लगी? अरे बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ? नहीं दोनों, पूरा दोनों अच्छे है, जो सोच गए थे मूवी के उससे भी अच्छी है, उससे भी अच्छी, बिल्कुल। कैसी लगी फिल्म भाई? सही है, सही है भाई। कैसे लगी फिल्म? हाँ भाई बताओ कैसे लगी? एक नंबर मूवी, एक नंबर, एक नंबर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, औसम औसम भैया, पैसा वसूल। कैसी मूवी थी? स्टोरी तो बहुत अच्छी थी भैया, एकदम फर्स्ट क्लास। सोच कहते वो मिला मूवी में? बिल्कुल बिल्कुल, उससे ज्यादा मिला, हाँ जी हाँ जी, पैसा वसूल। अब पार्ट है, अगला पार्ट आने वाला ना, उसका वेट करेंगे। कैसे लगी मूवी? अच्छी थी। बताइए मूवी का नाम कुछ। Yes, कैसी लगी मूवी? अच्छी, अच्छी मूवी लगी। कैसी है मूवी? बड़ी मस्त यार, बहुत लाजवाब, लाजवाब। अरे एक्टिंग बहुत मस्त थी यार, सच में बहुत ज्यादा मस्त। स्टोरी वगैरह कैसी थी? स्टोरी भी अच्छी थी, बाप और बेटे का कैरेक्टर दिखाया था, लेकिन बहुत मस्त यार, ऑसम एक्टिंग, बहुत ऑसम। रणवीर की एक्टिंग के बारे में क्या बोलोगे? रणवीर वैसे भी फेवरेट है यार मेरा, मतलब नो कमेंट्स, बहुत ऑसम। रेटिंग दूंगा मैं 4.5। जी भाई कैसी लगी फिल्म? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी एकदम, बहुत
पूरी पूरा इंटरेस्ट आया मूवी में, पूरा इंटरेस्ट आया पूरी मूवी में। सोच के आए थे मूवी मिला नहीं मिला वो क्या सोच के आए थे उम्मीद करके आए थे जो सोच के आए थे उसे बहुत ज्यादा अच्छा मिला, एकदम मजा आ गया। मूवी जैसा वायलेंस किसी मूवी में नहीं देखा, नहीं देखा अभी तक। मूवी बढ़िया कबीर सिंह में, कबीर सिंह से भी बहुत बढ़िया यार, उसमें इतना वायलेंस तो नहीं था। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। स्टोरी ओवरऑल कैसी है? बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं रिकमेंड करूंगा सबको देखनी चाहिए मूवी और बहुत मजा आएगा। सेकंड पार्ट भी आएगा इसका, वो भी बहुत अच्छा है। सेकंड पार्ट बोला गया मूवी, सेकंड पार्ट का पूरा पूरा इंडिया आए, हम दोबारा देखने आएंगे इसी को। जरूर आएगा, जरूर आएगा। दस में से ग्यारह। नहीं बहुत बढ़िया मूवी थी, नहीं मूवी बहुत अच्छी थी, एक्टिंग वाइज भी बहुत अच्छी थी। बाकी जितना उम्मीद कर रहे थे बॉबी देओल का उतना मूवी के अंदर नहीं था, दिखाया नहीं है, सही बात है। हाँ उतना दिखाया, हाँ उतना दिखाया नहीं था। बाकी रणवीर सिंह वो कपूर ने अच्छी एक्टिंग की थी, बाकी बढ़िया था सबका। रश्मिका मंदाना का भी अच्छा था, ट्रेलर में इतना अच्छा नहीं लग रहा था पर इसमें अच्छा था ओवरऑल। ये दोनों काफी अच्छे थे, बोर किसी में नहीं, बोर आप किसी में नहीं होगी। और स्टोरी के बारे में क्या बोलो, मतलब स्टोरी वगैरह, मतलब जो एंगेजिंग है कि नहीं है? हाँ नहीं मतलब शीट होल्डिंग है। हाँ तो लोग कह रहे हैं कि सेकंड हाफ उतना अच्छा नहीं है, उस पर क्या? नहीं नहीं नहीं, आप इस ऑडियंस को होल्ड करके रख रही है मूवी, हाँ सब, अरे हर बेसिस पे जैसे डायलॉग आ रहे हैं तो डायलॉग भी अच्छे हैं, फिर एक्शन भी उस हिसाब से अच्छा है, तो ऑल ओवर अच्छा होल्ड करके रख रही है। सेकंड हाफ में एंड एक फाइट है तो उस फाइट पर खत्म होती है मूवी, एंड में जो होती है। हाँ नहीं नहीं, सेकंड हाफ से पहली एक बढ़िया वाली फाइट, तो सेकंड हाफ और फिर सेकंड हाफ में भी है फाइट, तो दोनों हाफ में है फाइट, तो अच्छी है। अच्छा मूवी मतलब एंगेज करके रखती है? हाँ होल्ड करके रखेगी ऑडियंस को। रेटिंग दो 8.5। जी भाई कुछ बोलना है मूवी के बारे में कुछ और? ये बोलना है ये एनिमल 3 में आएगा ये।